हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ नई डिज़ाइन कुर्ती। तो ये प्लेटेड कुर्ती डिज़ाइन है, मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग सब सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं फैब्रिक ली हूँ, कॉटन का पीस है, ये नॉर्मल पीस है कॉटन का। ये प्लाजो बनाऊँगी, इससे बनाऊँगी ऊपर का कुर्ती। तो ऊपर का कुर्ती को खोल लेना है, खोल के इस तरह से बिछा के रख लेना है। तो मैं यहाँ पर 16 इंच चौड़ाई में बिछाई हूँ और यहाँ पर मैं लंबाई बनाऊँगी 42 इंच। तो 42 इंच बनाने के लिए 2 प्लस करके मैं 44 इंच कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से पल्ला एक कटिंग कर लेना है। ये फ्रंट पल्ला के लिए मैं 16 इंच डबल में बिछा के रखी हूँ। उसके बाद 12 इंच पे निशान लगा के रख ली हूँ। 12 के बाद 4 इंच डबल में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद ये 12 बच रहा है, तो 12 में हम यहाँ पर एक और पल्ला रखेंगे। तो इसके लिए एक और पल्ला हम बिछा लेते हैं डबल में। तो यहाँ पर देखिए, मैं कट करके रखी हूँ डबल में 12 इंच, और लेंथ जितना कुर्ती के चाहिए उतना है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच, उसके बाद में आर्म होल लूँगी 6.5 इंच, और यहाँ से एल की तरफ बना देना है। तो यहाँ पे एल की तरफ बन गया है। उसके बाद में शोल्डर की तरफ 1/2 इंच दबाव दे के इस तरह से ड्राइंग कर लेना है। और बैक पल्ला के लिए सिर्फ ड्राइंग कर रही हूँ 2.5 इंच और 4 इंच की तरह, इस तरह से गोल शेप दे देना है। अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी। और आर्म होल में भी गोलाई दे रही हूँ, और यहाँ पे चेस्ट का 4/10 दे रही हूँ, और कमर नीचे 7 इंच पे लगाऊंगी। तो कमर है मेरा 32 इंच, तो 32 का 4/8 होता है 8। तो इस तरह से लगा के मार्क कर लेना है सीधा। ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगा लेना है साथों साथ। तो ये मार्जिन के लिए मार्क लगा दी हूँ, एक सिलाई के लिए लगा दी हूँ। उसके बाद में नीचे आते हैं हिप के लिए। तो हिप आता है 14 इंच पर, उसके बाद में हिप की 4/8 ले लेंगे यहाँ पर। तो मेरा 40 है हिप, 40 का है, तो यहाँ पे मैं 10 ली हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैं मार्क लगा दी हूँ। तो यहाँ पे मार्क कंप्लीट हो गया, और मार्क के ऊपर मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये कटिंग हो गई है। उसके बाद बैक पल्ला हटा के फ्रंट पल्ला में थोड़ा सा आर्म होल झाड़ देंगे, और बैक पल्ला में नेक कटिंग कर देंगे। फ्रंट पल्ला में अभी नहीं कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ फ्रंट पल्ला में अभी आर्म होल थोड़ा सा हम झाड़ दिए हैं। यहाँ पर फ्रंट पल्ला में दाग लगा देंगे 15 इंच पे। तो यहाँ पे निशान लगा दिए हैं 15 इंच पे। तो योग पट्टी के लिए मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ आर्म होल भी साथ ही साथ मैं थोड़ा दबाव देके काट दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक साथ कटिंग की थी इसलिए। तो फ्रंट पल्ला में अगर आप नहीं कटिंग करेंगी तो झोल हो जाएगा। तो ये देखिए, योग पट्टी मैं रेडी करने जा रही हूँ। तो लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 4.5 इंच डबल में है इस तरह से। तो नेक के लिए मैं 6.5 इंच मार्क लगा रही हूँ, 2.5 इंच चौड़ाई इस तरह से गोल कर लूँगी। ऊपर से 1 इंच छोड़ के फिर एक और मार्क लगा दूंगी, और गुलाई दे के फिर भी शेप दे दूंगी। तो ये भी शेप में गला कट गया, कटिंग ड्राइंग हो गया। उसके बाद में नीचे 13 इंच, 13.5 इंच पे मार्क एक लगाऊंगी, और 2.5 इंच इधर से बंद की तरफ से, फिर ऊपर से लेके इस तरह से तिरछा मार्क लगा देना है योग पट्टी में। उसके बाद में फिर हम तिरछा पट्टी ले कर इस तरह से मार्क लगाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच नीचे ले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ जाएगा। तो ये मार्क जो देख रहे हैं, इस मार्क से नीचे हमको 1.5 इंच लगा के इस तरह से तिरछा फीता रख के मार्क कर लीजिए। उसके बाद में इस मार्क पे कटिंग कर लेना है। याद रहे, नीचे 1.5 इंच नीचे डाउन है। तो इस तरह से कटिंग हो गया है गला की कटिंग, और ऊपर की योग पट्टी कटिंग हो गई है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे सेंटर मिला के रखेंगे। तो फ्रंट पल्ला को इस तरह से खोल लेना है, जो एक्स्ट्रा मैं 4 इंच ली थी। तो योग पट्टी को इस तरह से रखने के बाद में फिर इसको सेंटर मिला लेना है, मिला के फिर ऊपर से निशान लगाना है नीचे की तरफ में, इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में जो 13 इंच पे तिरछा निशान था, वहाँ से एक और मार्क लगा ले के आपको समझा देती हूँ। ये जो 13 इंच देख रहे हैं डार्क किया हुआ है, वहाँ से निशान एक सीधा लगा लेना है। उसके बाद नीचे 1.5 इंच जैसे दिए थे वैसे बढ़ा लेना है नीचे की तरफ, और फीता रख के इस तरह से पॉइंट पे पॉइंट मिला के इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे ये कटिंग हो गई है। यहाँ योग पट्टी कटने के बाद में मैं आपको योग पट्टी रख के दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह से रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये फिल इस तरह से बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों कटिंग हो गया है। तो ये कटिंग कम्प्लीट हो गई है। उसके बाद हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव कटिंग करने के लिए यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा से हम कटिंग करेंगे। तो इसकी जो डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए मैं 16 इंच पर कटिंग करके एक दूसरे पर रख के एक समान मैं फैला के रख रही हूँ। तो
तो यहाँ पे मैं 8 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। कफ बाजू बनाना है, अगर आप चाहें तो इससे भी लूज बनाने के लिए 10 इंच रख सकती हैं। तो मैं यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देने के लिए 3 इंच पे मार्क लगा रही हूँ, और इस तरह से मार्क दे देना है। मार्क देके मैं कटिंग कर दूँगी और मोहरी की तरफ कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि हल्का सा गैदरिंग देना है इस तरह से। तो ये स्लीव कटिंग हो गई है, चलिए स्टिच करती हूँ। तो मैं यहाँ पे योग पट्टी को चिपका ली हूँ आयरन से, और एक्स्ट्रा कपड़ा पे रख के इस तरह से नेक रेडी करूँगी पहले। तो नेक के किनारे किनारे मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, बुकरम पे नहीं। तो यहाँ पे आप स्टिच करके रेडी कर लेना है गला को, जैसे भी सेफ है बिल्कुल इस तरह से। तो सिलाई करने के बाद उसके 1/2 इंच दूरी छोड़ के कट कर लेना है, उसके बाद में छोटा छोटा कट लगाना है। कट लगाने के बाद हम इसको पलट के आयरन करेंगे। अगर आपके पास आयरन नहीं है तो नाखून से भी सेट कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे कैंची की मदद से नोक निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए फिनिशिंग आ गया है, उससे नहीं तो और आयरन से भी चिपका सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के हटा देना है, बिल्कुल एक समान कर देना है। बकरम से सिर्फ 1/2 इंच की दूरी में छोड़ी हूँ, और सेंटर में इस तरह से निशान लगा के उल्टा साइड में रखना है। मैं दोनों साइड लगा रही हूँ, उसके बाद में फ्रंट पल्ला को उठाना है। तो इस तरह से पॉइंट मिलाना है। तो पहले कुर्ती का ये सेंटर पहले लगा लेना है। सेंटर लगाने के बाद में इस तरह से कुर्ती खोल के दोनों साइड से मिला के फिर बीच में एक पिन से पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक पिनअप लगा रही हूँ, उसके बाद में ऊपर भी एक पिनअप लगाऊँगी, फिर दूसरे साइड भी पिनअप करूँगी। तो इस तरह से आप 2-3 पिनअप लगा के सिक्योर कर ले। तो इस तरह से पिनअप करने के बाद फिर स्टिच करूँगी। तो स्टिच करने के बाद में नीचे जब मैं कॉर्नर पर आऊँगी तो कॉर्नर पे एक छोटा सा कट करना है। यहाँ पे मैं एक छोटा कट लगा रही हूँ जिससे फोल्ड होने में आसानी हो। ज़्यादा कट नहीं लगाना है, बस सिलाई जितनी मार्जिन ले रहे हैं उतनी ही लगाना है। उसके बाद में सेंटर में भी सेम इसी तरह आगे बढ़ना है, फिर और आगे कॉर्नर पर भी एक कट लगाना है। इस तरह से स्टिच करके फिर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर ली हूँ, बहुत आसान है ये स्टिच करना कुर्ती। तो ये देखिए स्टिच हो गई है फ्रंट पल्ला में, ये पट्टी में यहाँ पे गैदरिंग लग गया है, और नाखून से इस तरह सेट कर देना है। उसके बाद हम लगाएंगे लेस। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे ही रख सकते हैं, मैं यहाँ पे लेस लगा के और ओवर लुक दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं सिंगल लेस लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से मैं लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पे लेस लगाना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बैक पल्ला में रेडी करेंगे। तो अगर आपसे लेस नहीं लग रहा है तो आप धीरे धीरे सिलाई करके लेस लगाएं, और जहाँ पे फोल्डिंग आ रहा है वहाँ पे नाखून से दबा के थोड़ा तिरछा फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। तो देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं वीडियो को 2-3 बार देख के समझ लीजिए, आप भी बना पाएंगे। तो यहाँ पर लेस अटैच हो गया है, अब हम बैक पल्ला में नेक रेडी करेंगे। तो इस तरह से बैक नेक का मैं पट्टी कटिंग की हूँ, यहाँ पे रख के इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी कर ली हूँ, और फ्रंट पल्ला को इस तरह से रखना है उसके ऊपर, और इस तरह से फोल्ड करके शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड स्टिच कर ली हूँ, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिच हो गई है शोल्डर। तो आपको इसी तरह जोड़ना है और नीचे सिलाई करना है तो कर सकते हैं, नहीं है तो हेम कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिलाई से कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद बाजू को रेडी करना है। तो यहाँ पे सेंटर में कट लगा रही हूँ, तो मोहरी में मैं 4 या 5 प्लेटें दूंगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं ली थी, 8 इंच ली थी। ये पट्टी मेरा 3 इंच है, और मोहरी के जैसा जितना चाहिए उतना ले ली हूँ। तो नीचे उल्टा साइड में इस तरह से रखना है, एक सीधा एक उल्टा इस तरह से रख के उसके ऊपर में स्टिच कर देना है। उसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड करना है, फोल्ड करके फिर उसके ऊपर एक और सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से मोहरी रेडी हो गया। ये आपको डिजाइन कैसा लगा मोहरी का,
बाजू का, दोनों देखिए इस तरह से मैं रेडी कर ली हूँ। ये कफ बाजू है, फिर शोल्डर में इस तरह से एक सेंटर निशान देना है कट लगा के, उसके बाद इस तरह से शोल्डर को बाजू को ज्वाइंट कर देना है। तो मैं दोनों तरफ में ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर दी हूँ, यहाँ पे फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हो गई है शोल्डर में बाजू। तो ये उसके बाद में आप फिटिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे दोनों पल्लों को एक साथ रख लीजिए और फिटिंग पे सिलाई लगा लीजिए। नीचे हिप के लास्ट जहाँ हिप आ रहा है वहाँ तक लगा लीजिए, आप जितना खुला चाहते हैं उतना खुला रख सकती हैं। तो यहाँ पे फिटिंग मैं लगा रही हूँ, उसके बाद में फिटिंग लगाने के बाद मैं आपको चाक बताऊँगी। तो चाक इसमें आपको डबल सिलाई नहीं करना है, सिंगल ही करना है। तो कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से ये 1.5 इंच का फोल्डिंग है, तो डबल इस तरह से फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लेना है चारों तरफ। यहाँ चाहे तो आप लेस लगा सकती हैं, चाहे कपड़े अगर एक्स्ट्रा है तो आप एक की पट्टी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 इंच की फोल्डिंग देकर सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ। तो यहाँ पे रेडी हो गया कुर्ती की स्टिचिंग। ये देखिए कुछ इस तरह से लुक बन के आया। ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये बहुत फैंसी डिजाइनर कुर्ती बन के आया है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल कपड़े से मैं डिजाइनर कुर्ती रेडी की हूँ, तो आपको ये कैसा लगा डिजाइन कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। और अगर कहीं समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती है आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय बाय।